एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो जो है सबको अंत तक देखना है, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो जो लाइव आ गए हैं और जो जो स्टूडेंट लाइव नहीं आए हैं, तो आप लोग उनको शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी लाइव आ जाएँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाला हूँ, और आपके एग्ज़ाम रेलेवेंट वो क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो जल्दी से लाइव आ जाइए। जो जो लाइव नहीं आए हैं आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी लाइव आ जाएँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर बताना है तो जल्दी से बताओ, कृषि होगा, शिक्षा होगा, या पुलिस होगा, या रक्षा होगा। कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में आता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो सबको ही। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कृषि, कृषि ये किस सूची में आता है जी? तो ये आता है, हमेशा याद रखना, राज्य सूची में आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संघीय व्यवस्था में विभिन्न विषयों को तीन सूची में बांटा गया है। तो कौन कौन सी सूची है सबको मालूम होगा, समवर्ती सूची है, ठीक है, एक होता है राज्य सूची और एक होता है सूची। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो शिक्षा है वो किस सूची में आती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है, और कृषि के मैं बात करूँ तो ये राज्य सूची में आती है। आप लोग नोट कर लेना, ये पूछ लेता है कि कृषि किस सूची में आती है, तो राज्य सूची में आती है। और पुलिस, पुलिस किस सूची में आती है जी? तो ये भी जो है राज्य सूची में आती है। और अगर मैं बात करूँ रक्षा, तो रक्षा ये किस सूची में आती है? तो ये संघ सूची में आती है। फाइन, समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट कर लो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? बताओ, अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, या जीव राव मेहता। तो जल्दी से इसका आंसर सब किसी को देना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बता दो अब इसका राइट आंसर। यानी क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर, यानी कोई एक समिति है उसका भी नाम होगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो आप लोग को उसका अध्यक्ष भी पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, और उसका अध्यक्ष कौन था, बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष थे, और समिति का नाम क्या था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो अभी ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमेशा याद रखना, 1957 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी, बताओ। तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में तो सबसे पहले आरंभ की गई थी, लेकिन उसके बाद किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ की गई थी, यही बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो सबको ही। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से अब इसका राइट आंसर दे दो। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान, है ना, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो किस प्रधानमंत्री ने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना है कि भारत में पंचायती राज का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, कहाँ, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया था, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, पंचायती राज व्यवस्था से पूछ लिया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति का जो आय होगा वो न्यूनतम होगा, ऐसा किस राज्य में होता है? बता दो, बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है, राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है? तो जल्दी से बताओ, सब किसी को बताना है, ठीक है, जल्दी बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी बिहार। ठीक है, तो बिहार एक ऐसा राज्य है, मतलब चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति का जो आय होता है वो न्यूनतम होता है। समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? बता दो, यानी इसमें से कौन सा ऐसा कर है जिससे सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? बताओ, निगम कर है, आयकर है, संपत्ति कर है, या दान कर है? सब किसी को बताना है, तो जल्दी से बता दो। किस करों में, यानी ऐसी कौन सा कर है जिसमें सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना, कॉरपोरेट टैक्स। समझ में आ गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? बताओ तो, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, या इंडिका? जल्दी से बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है आपका प्रीवियस टेस्ट में, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस टेस्ट का वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिन जिन लोगों ने आप नहीं देखा है वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो जल्दी से बता दो, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको मालूम है, इंडिका है ना, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको नहीं पता है वो इसको याद कर लें, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, यानी मेगास्थनीज था वो किसका राजदूत था? बताओ, विदाउट ऑप्शन बताना है, ठीक है, तो ट्राई करो, बताने का कोशिश करो। जो मेगा स्थनीज था वो किसका राजदूत था? बताओ, ऑप्शन दे दूं? चलिए ऑप्शन दे देता हूं। तो पहला ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सिकंदर। अब तो बता दो, अब तो बता दोगे ना, तो जल्दी बताओ। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर या फिर सिकंदर? तो जी हाँ, क्या होगा? वेरी गुड, तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रख लेना, ये चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो है ये भारत आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? बताओ, कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, या परिमलगुप्त? तो जल्दी से बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी बुक से, बुक और उसके राइटर के से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बुक एंड ऑथर से, ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन फिक्स ही है आपका, समझ लो। अगर ये आप लोग याद कर लिए इसको अच्छे से, तो आपका जो है 5 नंबर सिक्योर हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा बुक एंड ऑथर से, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी बाणभट्ट। तो हमेशा याद रखना, हर्षचरितम नामक पुस्तक जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। इन्होंने ही जो है हर्षचरितम पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, और ये ग्रंथ जो है हर्ष का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी हर्षवर्धन के बारे में यदि आप लोग को जानना है कि वो कौन था और कैसा राजा था, तो आप लोग को जो है हर्षचरितम बुक पढ़ना होगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कालिदास, तो इन्हें जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, सबको मालूम है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जी हाँ, किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, समझ गए। और विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त
जिनका नाम कौटिल्य है, चाणक्य है। इनका कितने नाम है? तीन नाम है, सबको मालूम है ना। विष्णुगुप्त है, चाणक्य के तीन नाम है, कौन कौन से? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। तो इन्होंने जो है अर्थ पुस्तक मतलब पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो वो चाणक्य है। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य है। और अगर पूछे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तब क्या बताओगे जल्दी से? अर्थशास्त्र के जनक कौन है जल्दी से सबको ही बताओ। सब किसी को बताना है अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कौन है। तो जी हाँ, वेरी गुड, कौन है? एडम स्मिथ है ना। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और सिंपल भी है, बहुत लोगों को याद होगा। ठीक है, बढ़े हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए चलिए सबको ही बताइए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, बताओ। ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये भी पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो जल्दी से बता दो। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? विशाखा दत्त थे, या कौटिल्य थे, या बाणभट्ट थे, या कलहन थे? तो देखो, अभी यदि आप लोगों ने मेरे बताए हुए क्वेश्चंस पे गौर किया होगा, यानी इससे पहले मैं जो जो क्वेश्चंस बताया था, तो उससे तो आप दो ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। कौन कौन सा? कौटिल्य और बाणभट्ट। क्योंकि आप लोग को पता है बाणभट्ट जो है कौन थे, तो हर्षवर्धन के कवि थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी जी? तो हर्षचरितम। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और कौटिल्य ये भी होगा नहीं। किस में और होगा? विशाखा दत्त और कलहन में। तो अब जल्दी से बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी विशाखा दत्त है ना। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और ये कलहन है, ठीक है, ये भी एक लेखक है, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। कौन सा है? तो राज तरंगिनी। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, तो याद रखना है राज तरंगिनी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। कौन है जी? कलहन है। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का कार्य है, बताओ तो क्या कार्य है? सरकार की नीतियों का लागू करना, प्रशासन चलाना, या मंत्रियों की सहायता करना, या उपयुक्त सभी, बताओ। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का कार्य क्या है, जल्दी से बताओ इसका आंसर सब कोई। तो जी हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड। यानी नौकरशाही का कार्य क्या होता है? सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, यानी ये सभी जो है इन लोगों का कार्य है। किसका? नौकरशाही का। ठीक है, तो अब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पूछ लेता है इंग्लिश में। ठीक है, तो क्वेश्चन रहता है एक गवर्नमेंट बाई द ऑफिशियली। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब आप लोग इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश में वो कैप पढ़ोगे आप लोग, वो कैप में क्या क्या आता है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस। तो आप में आप जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ोगे तो ये मिलेगा आपको, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियली। ठीक है, यानी आप लोग बोल सकते हो एक ऐसा गवर्नमेंट यानी जो सरकार की नीतियों को लागू करता हो, है ना, प्रशासन चलाता हो, मंत्रियों की सहायता करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर पूछे ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियली, तो क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी एक सीख लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, बताओ किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? यानी एक बुक है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है, ये किसके द्वारा रचना की गई थी, आपको यही बताना है, तो जल्दी से बता दो अब। तो जी हाँ, किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अब देखो गाइस, ये जितने भी नाम है ना, यानी ये जितने चारों नाम है बहुत ही वीवीआई हैं, ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है,
तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्वेश्चंस पूछूँ आप सभी से, जल्दी बताइए। मैं एक कुछ क्वेश्चंस पूछूँ तो चलिए पूछता हूँ। तो पहले आपको ये बताना है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? फर्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के लिए विदाउट ऑप्शंस बताना है, ठीक है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताओ, आर्य समाज की स्थापना किसने की? चलो ऑप्शन दे देता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा। तो पहला ऑप्शन मैं दे दिया राजा राम मोहन राय, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। जल्दी बताओ, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वेरी गुड, किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की, है ना? यानी जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की, उन्होंने ही आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ठीक है? कब की थी ये मैं बता देता हूँ आप लोग को, तो ये 1875 ईस्वी में की थी, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बताना है आप लोगों को। ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा समाज के बारे में भी पूछ लेता है, तो अब तो ये आप लोग को बताना ही होगा, ठीक है? ऑप्शंस वही है, कौन कौन सा ऑप्शंस है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती और एक राजा राम मोहन राय। तो जल्दी से बता दो, यानी को समाज की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन मैं दिया राजा राम मोहन राय, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जल्दी से बता दो भाइयों अब। तो जी हाँ, किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की, ठीक है? कब की ये मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। तो ये 1828 ईस्वी में की, समझ गए? ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई है, ठीक है? आप लोग नोट कर लो, जो जो नए स्टूडेंट हैं आप सभी को नोट करना है। अच्छा चलिए बताइए, तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक किसका हाथ था? यानी सती प्रथा का जो अंत हुआ था उसमें सबसे अधिक जो है भूमिका किसने निभाया था? यानी सती प्रथा के अंत में किसने अधिक भूमिका निभाई थी? सती प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा किसने अधिक भूमिका निभाई थी? तो जी हाँ, किसने निभाई थी? राजा राम मोहन राय ने, है ना? जिसने, और कब की थी? तो 1828 ईस्वी में की थी, फिर से बता देता हूँ, ठीक है? और अब एक क्वेश्चंस बताओ, आप सब लोग को बताना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो जी हाँ, किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जिन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था, ठीक है? और एक क्वेश्चंस और पूछ लेता है कि विवेकानंद जी किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे, कोई बता सकता है? तो चलिए बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स का। यानी क्वेश्चन है, विवेकानंद जी किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन, यानी विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है? वो कौन सा स्थान था जहां पर ये फेमस हुए थे, बताओ। विवेकानंद जी किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो जी हाँ, कहाँ हुए थे? शिकागो में, ठीक है? और अब महात्मा गांधी जी के बारे में, तो इनके बारे में तो सबको ही जानता है। अच्छा बताओ, तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो चलिए, आई होप आप लोग इसका करेक्ट आंसर दे दोगे, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है? कहाँ हुआ था सबको पता है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी, बताओ कैसी समिति थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या एक क्रांतिकारी संगठन, बताओ ये कैसी समिति थी? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुशीलन समिति थी, कैसी थी?
तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन डी होगा, यानी एक क्रांतिकारी संगठन समिति थी। ठीक है, तो इस मतलब क्रांतिकारी समिति का जो मतलब बोल सकते हो इसको कौन मतलब रूप में लेकर आया, यानी इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी जान लो आप लोग। तो दो लोगों के द्वारा किया गया था, पहला है नाम है वारिंदर कुमार और दूसरा जो थे भूपेंद्र दत्त। ठीक है, तो इन्होंने ही यानी इस समिति की यानी अनुशीलन समिति की स्थापना की, जिसको एक क्रांतिकारी संगठन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई कर लो इसको। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? बताओ, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या केरल है? सब किसी को बता देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेरी गुड, कर्नाटक। ठीक है, तो भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का यानी बोल सकते हो 56% जो है केवल कर्नाटक राज्य में होता है, 56.5% जो है केवल कर्नाटक में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, और महाराष्ट्र किस चीज़ के लिए फेमस है जी, तो आप लोग को मालूम होगा, तो आप लोग को मालूम होगा गाइज कि काली मिट्टी जो है सबसे अधिक भारत में कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है तमिलनाडु से एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है आपका कि भारतनाट्यम जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है। और केरल, केरल का मैं बात करूँ तो इलायची और मसालों की खेती कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो केरल में होती है। ठीक है, और एक जनजाति के भी बारे में पूछ लेता है, बहुत ही फेमस जनजाति है। ठीक है, बड़ागा जनजाति, तो बड़ागा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो तमिलनाडु में पाई जाती है। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत वीवीआई है इसलिए फिर से मैं इसको बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बताओ, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है वो महाविभाजन का वर्ष यानी ग्रेट डिवीजन ईयर्स कहलाता है? बताओ, 1991 ईस्वी, 1951 ईस्वी, सॉरी 1951 या 1991 या 2001 या 1921, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, 1951 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में या 2001 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 1921 ईस्वी में। ठीक है, महाविभाजन का वर्ष जो है ये कहलाता है। फाइन, समझ गए। अब एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, आप लोग को बताना है बिहार से झारखंड जो है कब अलग हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, बिहार जो है सॉरी झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ? ऑप्शन दे दूं? चलिए ऑप्शन देता हूँ, 15 नवंबर 2001, सॉरी 15 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2001 को, जल्दी से बताओ कब अलग हुआ है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था, समझ में आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति है यानी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? सॉरी, देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? बताओ क्या होगा, करारोपण होगा, सार्वजनिक व्यय होगा या ब्याज दर होगा या सार्वजनिक ऋण होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कौन सा जो है नहीं है, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। सब कोई ट्राई करो, थोड़ा सा आप लोग को टफ लगेगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग नहीं सॉल्व करते हो ना, ऐसा क्वेश्चंस को आप लोग देखते ही इग्नोर कर देते हो, तो कहाँ से समझ में आएगा, तो जल्दी बताओ। तो वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन सी होगा यानी ब्याज दर, है ना। तो देखो, राजकोषीय नीति क्या है, यानी ऐसी नीति जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही बना सकती है। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसी नीति जिसको गवर्नमेंट ही बना सकती है। तो दो नीति होती है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कौन कौन सा, एक फिस्कल पॉलिसी जिसको हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है,
तो फिस्कल पॉलिसी जो है ये केवल और केवल कौन बना सकती है, तो गवर्नमेंट बना सकती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जिसको मौद्रिक नीति कहते हैं उसको आरबीआई बनाती है, ठीक है। तो अब ब्याज दर जो है वो तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गई ना, तो ये राजकोषीय पॉलिसी तो हुई नहीं, राजकोषीय नीति तो हुई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजकोषीय नीति नहीं होना चाहिए। तो क्या है ब्याज दर, ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, बताओ तो यानी किस सूची का विषय है जी, संघ सूची का, राज्य सूची का, या समवर्ती सूची का, या किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर दो, सब किसी को देना है। आर्थिक नियोजन जो है विषय है वह किस सूची का है, तो जी हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना, यानी समवर्ती सूची का विषय। तो देखो कुछ इम्पॉर्टेंट विषय है, यानी जैसे संघ सूची में कुछ चीज़ें आती हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो संघ सूची में कौन कौन सी विषय आती हैं आप लोग नोट कर लेना, यानी सेना हो गया है ना, रक्षा हो गया, रेल हो गया, ठीक है, और विदेशी मामले हो गए, ये सब जो है संघ सूची में आता है। फिर से मैं बता देता हूँ, सेना हो गया, रक्षा हो गया, रेल हो गया, ये विदेशी मामले हैं, ये सब संघ सूची में आता है। और अगर मैं बात करूँ राज्य सूची की तो ये भी पूछ लेता है। तो राज्य सूची में मैं आपको बताया था कृषि आता है ना, सिंचाई आ जाता है, सड़क आता है, पुलिस आता है, तो ये सब जो है किस सूची में आ गया, तो ये राज्य सूची में आ गया। कौन कौन चीज़, कृषि, पुलिस, सिंचाई, सड़क, ठीक है। और अब मैं बात करूँ समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची का जो सबसे मतलब प्रसिद्ध जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा, शिक्षा किस सूची में आती है, अभी मैं बताया आप लोगों को, तो वो समवर्ती सूची में आती है। तो इसमें शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, और फिर न्याय प्रशासन हो गया, ठीक है, ये सब पूछ लेता है। तो आप लोग जो है, और आर्थिक नियोजन जो कि इस क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो बहुत ही आते हैं लेकिन मुझे जितना याद था मैं अभी आपको बता दिया, ठीक है। यानी शिक्षा हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, ये किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। आप लोग बुक से भी पढ़ा करो, बुक से पढ़ोगे तो आपको जो समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब किसी का करेक्ट होना चाहिए, बहुत ही बार मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चंस, तो जल्दी से बता दो अब इसका राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है ना, और जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या है, और कभी कभी तो पूछ लेता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच की सीमा रेखा कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सब देखेंगे, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, तो जल्दी बताओ। तो हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, रेडक्लिफ रेखा है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहते हैं उसको, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और एक पूछता है वो आप लोग को बताना है, भारत और चीन, ठीक है, बताओ भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और चीन, बताओ भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो जी हाँ क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा, वेरी गुड, ठीक है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब चलो बताओ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो जी हाँ किस नाम से जाना जाता है, तो डुरंड रेखा, ठीक है। और एक और पूछ लेता है, जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हिडनबर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? बताओ, लुम्बिनी में, सारनाथ में, या पाटलिपुत्र में, या वैशाली में? जल्दी से सब किसी को बताना है इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताओ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वेरी गुड, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, धर्म चक्र परिवर्तन, तो आप लोग सुन लीजिए, इसका होगा यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सबको मालूम है, बोध गया में हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और यही घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबको मालूम है, लुम्बिनी में हुआ था, है ना, यानी कपिल वस्तु राज्य के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और ये किस वंश से थे? तो ये इनका जो वंश था, ये शाक्य वंश के कुल क्षत्रिय के थे। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष के ही उम्र में गृह को त्याग कर दिया था, यानी घर को त्याग कर दिया गया, मतलब घर को त्याग कर दिया था इन्होंने। और ये घटना क्या कहलाई, यानी गृह त्याग करने वाली घटना क्या कहलाई? तो ये कहलाई महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सबको मालूम है, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये घटना क्या कहलाई? तो ये महापरिनिर्वाण। देखो बहुत ही मैं VVI क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, इग्नोर मत करना, बार बार मैं यही कहूँगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चंस पूछ भी लेता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सब मैं बता दिया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताओ, पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, या चंपा? सब किसी को आंसर देना है, जल्दी से बताओ, मगध की प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? तो जी हाँ, कौन सी थी? वेरी गुड, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरिव्रज, यानी राजगृह, है ना। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। बाद में उदयन आया, ठीक है, एक शासक था, उसने राजधानी को गिरिब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, यानी पाटलिपुत्र ला दिया वो। ठीक है, समझ गए, पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में है, सबको मालूम है, बिहार के हो तो ये तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लेना। समझ गए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? बताओ, यानी संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दे दी गई है, बताओ किसको? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, या राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? तो जल्दी से इसका राइट आंसर सब किसी को देना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है वो किस किस को दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सबको सही बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताओ, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा? जल्दी से बता दो, सब किसी का राइट आंसर होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चंस है। भारत का जो राष्ट्रपति है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी संसद द्वारा। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कोई बता सकता है? चलिए ऑप्शन देता हूँ, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 65, जल्दी बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर? तो वेरी गुड, क्या होगा? अनुच्छेद 61। ठीक है, समझ गए। तो
तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। देखो बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।